इंडिपेंडेंट 2 BHK का फ्लैट है और अच्छी बात यह है कि द्वारका सेक्टर 3 यहां से सिर्फ 550 मीटर के डिस्टेंस पर है। इसके अलावा दोस्तों रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है तो लोन लेने में भी आपके लिए काफी इजी रहेगा। जय भोलेनाथ दोस्तों, गुरु महादेव रियल एस्टेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज बात करेंगे एक ऐसे शानदार 2 BHK फ्लैट की जिसका फ्रंट 25 फीट का है। इंडिपेंडेंट 2 BHK का फ्लैट है और अच्छी बात यह है कि द्वारका सेक्टर 3 यहां से सिर्फ 550 मीटर के डिस्टेंस पर है, यानी कि DPS स्कूल आपको बिल्कुल नजदीक मिलेगा, आकाश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिल्कुल नजदीक मिलेगा और सेक्टर 3 जहां से द्वारका की शुरुआत होती है वो भी यहां से सिर्फ 550 मीटर के डिस्टेंस पर है। और उसके बाद आप देखेंगे तो द्वारका की जितनी भी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वो आपके बिल्कुल नज़दीक मिलती हैं, वेगस जो मॉल है वो बिल्कुल नज़दीक मिलता है, यानी कि लोकेशन काफ़ी प्राइम है और अच्छी बात ये है कि इंडिपेंडेंट फ्लोर है और सामने की रोड हमारी कम्प्लीटली 30 फिट की मिलने वाली है। इस बिल्डिंग के अंदर विद कार पार्किंग और विदाउट कार पार्किंग दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो देखिए, जानिए क्या कुछ खास है आपकी इस बिल्डिंग में, कैसी लोकेशन है, कैसा फ्रंट है और किस टाइप का मैप आपको इसमें मिलने वाला है। 2 BHK फ्लैट ढूंढने वाले दोस्तों के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आज वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बालकनी में, ताकि आप देख सकें कि 25 फीट का अगर फ्रंट रहता है तो बिल्डिंग की बालकनी भी कितनी बड़ी आपको मिलती है। यहां पर स्टील की रेलिंग आपको मिलने वाली है। जो बालकनी है वो 3.5 फीट की है। ये पोर्शन हमने 4 फीट का रखा है जिससे कि आप यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन इजीली लगा पाएं। यहाँ पर आपको टैब स्विचिंग सॉकेट मिलता है। एलिवेशन बिल्डिंग की आप देखिए, कंप्लीट एलिवेशन कितने शानदार तरीके से डिजाइन की गई है। ये एलिवेशन मेंटेनेंस फ्री एलिवेशन है, कंप्लीटली टाइल वर्क आपको मिलता है तो सालों तक कभी भी आपको परेशानी नहीं आने वाली। सामने की रोड आपने देख ही ली है, 30 फीट की वाइड रोड आपको मिलती है। इस बिल्डिंग में 3 लोगों को गाड़ी की पार्किंग मिलेगी और 1 विदाउट कार पार्किंग यानी कि बाइक पार्किंग के साथ आपको मिलेगा। यहाँ पर आपका 1 रूम है जिसकी विंडो है, यहाँ पर आपकी किचन है जिसकी विंडो आपको मिलती है और यहाँ पर आपका 2 बेडरूम है, यानी कि 2 बेडरूम फ्रंट की तरफ है, आपकी किचन फ्रंट की तरफ है। तो कितना वेंटिलेटेड रहने वाला है आपका ये 2 BHK का फ्लैट, आइए देखते हैं। तो वाइड फ्रंट के बहुत सारे बेनिफिट हैं दोस्तों और लोकेशन भी उस पर अगर अच्छी हो तो और भी प्लस पॉइंट हो जाते हैं। यहां से आपके फ्लोर की एंट्री रहेगी, हर फ्लोर पर एक ही फ्लैट है, इंडिपेंडेंट फ्लोर है। आप एंट्री करेंगे अपने लिविंग स्पेस के अंदर और लिविंग स्पेस का जो साइज है ये बिल्कुल परफेक्ट है, ऑलमोस्ट 12 फीट बाय 11 फीट का आपको ये स्पेस मिलता है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि कंप्लीट बड़ी वॉल आपको मिलती है जहां पर अपना सोफा आप इजिली लगा पाएंगे और ये वॉल आपको डिजाइनर मिलने वाली है। हालांकि इस डिजाइनर लुक के थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, इनके से अगर आप नहीं देना चाहते तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर भी आप ले सकते हैं, ये चॉइस आपकी खुद की रहेगी। तो सोफा आप इजिली लगा पाएंगे जो कि 5 to 7 persons का रहेगा। यहाँ पर आपका टीवी पैनल है, टीवी पैनल के नीचे 2 ओपन शेल्फ आपको दी गई है। बड़ा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ऊपर आपको AC की फिटिंग मिलती है। यहाँ पर आपकी शाफ्ट आपको मिलती है जो कि प्रॉपरली वेंटिलेट करेगी आपके इस फ्लैट को। सीलिंग की अगर बात करें तो कंप्लीट सीलिंग का डिजाइन भी आप देख सकते हैं, काफी यूनिक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फ्लोरिंग की अगर बात करें तो ऑफ वाइट बेस की जो फ्लोरिंग है वो यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। 2x2 की टाइल्स हैं दोस्तों और कंप्लीट घर में, क्योंकि एक तो वाइट फ्रंट है, दूसरा लाइट कलर यूज किया गया है जिससे इसकी ओपननेस और भी ज्यादा आपको लगती है। तो ये दोस्तों आपका लिविंग स्पेस है। लिविंग स्पेस के अलावा 1 बेडरूम आपको यहाँ मिलता है, 2 बेडरूम आपको यहाँ मिलता है और यहाँ पर आपकी किचन आपको मिलती है, यानी कि प्रॉपरली वेंटिलेशन मिलने वाला है आपको इस फ्लैट के अंदर। सबसे पहले जानेंगे अपने किचन के बारे में, तो यहाँ पर आपको फ्रिज का स्पेस मिलता है, स्विच एंड सॉकेट्स आपको मिलते हैं और पीछे आपको जो टाइल वर्क है ये कंप्लीटली मिलता है। इवन फ्रिज के ऊपर भी यहाँ पर आपको स्टोरेज मिल जाती है जो कि काफी डीप है। व्हाइट बेस रखा गया है दोस्तों ऊपर की तरफ और नीचे डार्क ग्रे कलर रखा गया है, इनका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा आपको मिलेगा। यहाँ पर चिमनी का स्पेस है, आपकी चिमनी यहाँ पर हम लोग लगा कर देंगे और यहाँ पर आपको एल टाइप का स्लैब मिलता है, काफी बड़ा सिंक आपको मिलता है जो कि साउंड प्रूफ है और काफी अच्छी क्वालिटी की फिटिंग्स भी आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर भी आपको स्टोरेज दी गई है, इनके से अगर आप चाहें यहाँ पर अपना गीजर लगाना तो आप इजीली लगा पाएंगे, या फिर अपना जो बर्तन का स्टैंड है वो लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। अच्छा पार्ट ये है कि यहाँ पर काफी बड़ी विंडो आपको मिलती है, सामने 30 फीट की वाइड रोड है। ओपन करने के बाद इन विंडोज को
आपको पूरा वेंटिलेशन मिलेगा आपकी इस किचन के अंदर। ध्यान से सुनिए दोस्तों कि दोनों ही बेडरूम्स के अंदर वेंटिलेशन मिलता है, आपकी किचन के अंदर वेंटिलेशन मिलता है, जिससे कि पूरे घर में आपको प्रॉपर वेंटिलेशन रहता है। क्योंकि इसके अलावा कुछ खास इस घर में बचा नहीं है, सिर्फ लिविंग स्पेस है और लिविंग स्पेस में भी आपको यहाँ पर शाफ्ट मिल जाती है। तो किचन काफी बड़ी है। अगर बात करें स्टोरेज की तो स्टोरेज ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको काफी मिल जाती है दोस्तों। आप देख सकते हैं प्रॉपर स्टील के जो बास्केट्स हैं वो आपको मिलती हैं, अलग अलग साइज की बास्केट है। तो बहुत सारी क्रॉकरी, बहुत सारा सामान इस किचन में आप रख पाएंगे। अपर सेक्शन पर भी आपको प्रॉपरली स्टोरेज मिलती है, अंदर और बाहर दोनों तरफ हमने माइका लगाकर आपको दी है। ऊपर की तरफ आपको प्रोफाइल लाइट मिलती है, यही प्रोफाइल हमने नीचे भी लगाई है, जिससे कि कंप्लीट प्लेटफॉर्म पर रोशनी रहे, आप कुछ भी काम करें तो आपको काम करने में सहूलियत मिले। तो ये है दोस्तों आपकी किचन। इवन बैक साइड पर भी आपको लगभग 4 फीट की हाइट तक टाइल वर्क मिलता है, जिससे कि किचन को साफ रखने में काफी हेल्प मिलती है। और यहाँ पर भी आपको स्विच एंड सॉकेट दिया गया है, इनकेस अगर आपको कुछ और चलाना हो तो वो भी आप इजीली चला सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ भी आपको स्विच एंड सॉकेट दिए गए हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिकल आइटम्स आप यहाँ पर इजीली इस्तेमाल कर सकें। तो ये आपकी किचन है दोस्तों, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और लिविंग स्पेस के बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं आपके पहले बेडरूम की। तो ये बेडरूम आप देख सकते हैं काफी बड़ा और शानदार आपको मिलता है। ये आपका मास्टर बेडरूम भी है, क्योंकि इसके साथ आपकी आपका जो वॉशरूम है वो अटैच आपको मिलता है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर काफी बड़ी विंडो दी गई है, विंडो एसी आप लगा सकते हैं, स्विच एंड सॉकेट भी ऊपर यहाँ पर आपको मिल जाता है। रूम साइज आप देख सकते हैं काफी बड़ा रूम साइज आपको मिलता है, ये कंप्लीटली वॉल डिजाइनर लुक के साथ आपको मिलती है। यहाँ पर आपको वार्डरोब मिलती है, आप देख सकते हैं काफी बड़ी वार्डरोब है, काफी डीप है और इसे डबल सेक्शन में बनाया गया है, तो ऊपर भी आपको स्टोरेज मिलती है। इवन लोअर सेक्शन पर भी आपको जो बड़े साइज की ड्रॉर्स हैं वो मिलती हैं, दो ड्रॉर इस तरफ हैं दोस्तों और दो ड्रॉर इस तरफ आपको मिलती हैं। बीच में ओपन शेल्फ है जहां पर लाइट दी गई है। यहां पर कंप्लीट रूम की ऑपरेटिंग दी गई है, अगर आप चाहें अपना फैन ऑन करना, एसी ऑफ करना, ऑन करना, तो सारी चीजें आप यहां से कर पाएंगे। और ये भी आपको एक स्टोरेज दी गई है, यहाँ पर आप अपना ग्लास भी लगा सकते हैं जो लुकिंग मिरर है, और ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ आपको स्टोरेज मिल जाएगी। ये मिडिल सेक्शन है दोस्तों, यहाँ पर लूवर्स कवर भी आपको मिलता है, नीचे प्लाई कवर का आपको मिलता है, पीछे आपको बहुत अच्छी गेटअप दे रही है आपकी ये कॉब लाइट। इनकेस अगर आप ये नहीं भी चाहेंगे तो इसके लिए आपको वॉलपेपर भी लगाकर दे सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपका रूम है। अब बात करते हैं आपके वॉशरूम के बारे में। तो ये है दोस्तों आपका, जिसका साइज काफी परफेक्ट है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4.5 फीट की इसकी चौड़ाई है और 5.5 फीट की इसकी लंबाई है। यहाँ पर वन पीस की शीट आपको मिलती है, ये कॉर्नर बिल्कुल सेपरेट आपको मिलता है। इनके अगर यहाँ कुछ आप चाहें अपनी छोटी अलमीरा जो कि आजकल वॉशरूम में लगती है तो आप इजिली लगा सकते हैं। स्विच एंड सॉकेट आपको मिलता है, आपकी गीजर की फिटिंग आपको मिलती है, रूफ हाइट तक की टाइल्स आपको मिलती है, वो भी डिजाइनर पैटर्न के साथ। यहाँ पर आपका बेथिंग एरिया है और यहाँ पर आपको जो मिक्सर है वो भी लगा कर देंगे। और यहाँ पर आपका वॉशबेसिन है दोस्तों, और इसमें भी जो फिटिंग्स हैं वो आपको अच्छी क्वालिटी की मिलती है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे आपको विंडो मिलती है, इस पर एग्जॉस्ट फैन आप लगा सकते हैं। इवन एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी ऊपर दिया गया है, जिससे कि एग्जॉस्ट लगाने में आपके लिए सुविधा रहे, रोशनी भी आएगी दोस्तों, और साथ में आपको वेंटिलेशन यहाँ पर भी मिलने वाला है। तो पूरी उम्मीद है ये रूम आपको जरूर पसंद आया होगा। यहाँ पर भी टीवी लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और नीचे आपको स्विच एंड सॉकेट्स भी दिए गए हैं, जिससे कि अपना टीवी आप इजीली लगा सकें। और एक लुक दोस्तों सीलिंग की तरफ भी देखिएगा, सीलिंग भी काफ़ी अच्छी बनाई गई है, तो काफ़ी गुड लुकिंग है आपका ये रूम। मुझे उम्मीद है ये रूम आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब बात कर लेते हैं आपके कॉमन वॉशरूम की, क्योंकि कॉमन वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है दोस्तों और बिल्कुल सेपरेट है। बहुत सारे दोस्तों की डिमांड होती है कि किचन के साथ में नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल ही सेपरेट है। यहाँ पर भी आप देखेंगे रूफ हाइट तक की टाइल्स हैं, डिजाइनर लुक एंड पैटर्न के साथ आपको मिलती हैं। वन पीस की कमोड यहाँ पर लगाई गई है, ऊपर वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको मिलती है, यहाँ पर अगेन आपको गीजर की फिटिंग मिलती है। बेथिंग एरिया भी काफी बड़ा आपको मिलता है, यहाँ पर आपका वॉश बेसिन है और रेन शावर भी यहाँ पर आपके लिए लगाकर दिया गया है। तो सफिशियंट साइज है दोस्तों, बड़ा है, अच्छा है, और दोनों ही वॉशरूम आपने देखे और दोनों के साइजेस काफी अच्छे आपको मिलते हैं। एक्चुअली जब भी वाइड फ्रंट की प्रॉपर्टी होती है तो उसमें आपको ये परेशानी कभी भी नहीं आती, आपको फ्लैट हमेशा ही बड़ा बड़ा लगता है और जो मैप बनता है वो काफी अच्छा बन पाता है। चलिए बात करते हैं आपके सेकंड बेडरूम की।
सेकंड बेडरूम में भी दोस्तों आप देख सकते हैं साइज काफी अच्छा आपको मिलता है। एक वॉल आपको डिजाइनर मिलने वाली है, इनकेस अगर आप नहीं चाहें तो यहाँ पर भी आपको वॉलपेपर लगा कर देंगे। अगेन जो कंप्लीट ऑपरेटिंग है रूम की, फैन की, एसी की, वो यहाँ पर आपको मिलती है। यहाँ पर आपको वार्डरोब मिलती है जो कि ऑलमोस्ट रूफ हाइट तक है, डबल सेक्शन में है। अंदर भी आपको एक ड्रॉअर दी गई है और ऊपर भी आपको स्टोरेज मिल जाती है। सीलिंग का डिजाइन यहाँ पर भी डिफरेंट और यूनिक आपको मिलता है। यहाँ पर काफी बड़ी विंडो आपको मिलती है, विंडो इसे लगाने का प्रोविजन है। और यहाँ से आपकी बालकनी है जिससे हम लोग अंदर आए थे, आपने देखा ही होगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको स्विच एंड सॉकेट दिए गए हैं जिससे कि इस रूम में भी इनकेस अगर आप टीवी लगाना चाहें तो आप इजिली लगा सकते हैं। ये कंप्लीट फ्लैट दोस्तों 50 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर है, लेकिन क्योंकि वाइट फ्रंट की प्रॉपर्टी होने की वजह से इसका जो कंप्लीट एरिया है वो आपको लगभग 62.5 या 64 गज के आसपास का मिलता है। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, मेन द्वारका से बिल्कुल टच में है। आप वॉकिंग डिस्टेंस से द्वारका में जा सकते हैं। सेक्टर 3 का पार्क यहाँ पर बिल्कुल नजदीक है, वहां पर भी यहाँ के लोग घूमने वॉकिंग करने के लिए मॉर्निंग और इवनिंग में जाते हैं। तो बहुत सारे दोस्तों की डिमांड होती है कि पार्क नजदीक होना चाहिए, तो ये पार्क आपको बिल्कुल नजदीक वॉकिंग डिस्टेंस पर मिलता है। इसके अलावा दोस्तों रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है तो लोन लेने में भी आपके लिए काफी ईजी रहेगा और काफी कम डाउन पेमेंट देकर, यानी कि 10% या उससे भी कम डाउन पेमेंट देकर आप इस घर को अपना बना सकते हैं। इनकेस अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं दिल्ली में द्वारका से बिल्कुल नजदीक एक 2 BHK का फ्लैट लेने में, तो ये फ्लैट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों गुरु महादेव के साथ जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK एंड 5 BHK के भी, और इंडिपेंडेंट हाउसेस भी हमारे पास काफी अवेलेबल है दोस्तों। तो जो भी आप ढूंढ रहे हो, जिस भी बजट रेंज में आप ढूंढ रहे हो, गुरु महादेव रियल एस्टेट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ 2010 से वर्किंग है। बहुत सारी बिल्डिंग हमने बनाई है, बहुत सारे दोस्तों को उनके सपनों के घर तक हमने पहुंचाया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस फ्लैट की बाकी डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। जय भोलेनाथ।